दिल्ली के मुनिरका इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर से दिल्ली को दहला दिया है। जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है आपको आज की इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। दिल्ली के मुनिरका इलाके से रविवार को दिल दहला देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक कमरे से 3 लोगों की लाशें बरामद हुई। मृतकों में एक 27 साल की महिला और उसका एक 4 साल का बच्चा और दूसरा 2.5 साल का बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 10:30 बजे एक महिला द्वारा आत्महत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का गेट तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई हैरान नजर आया। कमरे के अंदर महिला का शव लटका हुआ था और 2 बच्चों का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जांच के दौरान तीनों की कलाई पर गहरा कट के निशान जो है वो नजर आए। पुलिस ने जांच में पाया कि महिला शादीशुदा है। महिला की शादी 2017 में हुई थी। महिला की शादी जोगेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स से हुई थी जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है और जांच शुरू की जा चुकी है। इस मामले को लेकर लड़की के भाई का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि ससुराल वाले उनकी बहन को परेशान किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है आप भी सुने। मेरा नाम रजत प्रभाकर है। मैं ग्राम सकरपुर समाजपुर पोस्ट रजकपुर जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। क्या मामला हुआ है? आप दिल्ली आए हैं, मुनिरका थाना किशनगढ़ के अंतर्गत आए हैं, क्या है मामला? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरी बहन रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं वो नारकोटिक्स ब्यूरो में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं और अभी उसके 2 बच्चे साथ में भी रहते थे। एक 4 साल का लड़का था, एक 2 साल का लड़का था। अच्छा, क्या हुआ उनको? उनको कल शाम मृत अवस्था में उनको पाया गया यहाँ पर, तीनों लोगों को। कितने बड़े बच्चे थे और क्या उम्र थी आपकी सिस्टर की? मेरी सिस्टर की उम्र लगभग 26 साल उम्र थी और एक 4 साल का लड़का था, एक 2 साल का लड़का था और मेरी सिस्टर की शादी 2017 में की थी। तो अब ये जो मृत जो पाए गए हैं इसमें क्या संकेत बता रहे हैं कि ये हत्या हुई है या फिर ये आत्महत्या है, क्या हुआ है? देखिए, अभी ऐसे तो खुलासा नहीं कर सकते हैं कि मर्डर है या आत्महत्या है, मगर ये है कि ससुराल वालों ने उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था और मतलब उसको रोज़ वही टॉर्चर करते थे। और अभी आकर के जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड थे वो आकर के अब पूजा पाठ में लग गए थे बहुत ज़्यादा और वो तंत्र मंत्र करते थे। मेरी बहन वो को परेशानी होती थी उससे कि मेरे शरीर में दिक्कत है, ये है वो, ऐसे ये बच्चों को ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, मतलब कि बच्चों की तरफ से और उसकी मेरी सिस्टर की तरफ से उसका ध्यान हट चुका था। नहीं, सिस्टर मतलब घर में बोलती थी पर हम शिकायत नहीं करते थे की थी कहीं भी। उसको मतलब समझाते थे कि परिवार के नाते नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, हम उसको ही समझाने पे रहते थे। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे वजह रही है, मतलब जो भी आरोपी रहे हैं उनको, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जानकारी के अनुसार 27 साल की इस महिला और उसके 2 बच्चे रविवार को दक्षिणी दिल्ली के अपने घर में मृत पाए गए। दिल्ली पुलिस ने कहा महिला का पति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल है। पुलिस के अनुसार सुबह 10:30 बजे किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में मुनिरका गांव से एक महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद घर की 4th मंजिल पर स्थित कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा। एक महिला और 2 छोटे बच्चों के शव बेड पर मिले। 3 शवों की पहचान वर्षा शर्मा और उनके 4 साल और 2.5 साल के 2 बच्चों के रूप में की गई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस सुसाइड के पीछे की क्या वजह रही थी। अब ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस सुसाइड के पीछे की क्या वजह रही थी। जिस तरह से मृतका के भाई ने अपना बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके ससुराल वाले उन्हें परेशान किया करते थे। अब ये देखना होगा कि वाकई में जांच के बाद इस मामले में क्या सामने आता है, कि वाकई में
ससुराल वालों की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर मामला कुछ और है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए तेज़तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज़तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।